आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुसार अवैध शराब, अवैध गांजा एवं आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए निरंतर कार्यवाही की जा रही है। उसी क्रम में आज मुखबिर की सूचना पर वसई रोड जीरो पॉइंट पर चेकिंग लगाई गई। वहीं चेकिंग के दौरान दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहे थे। पुलिस को सामने खड़ा देख आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया, जिनके पास से 4 किलो गांजा बरामद किया गया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 80,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं सब इंस्पेक्टर विनोद सिंह यादव ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर विधानसभा चुनाव को देखते हुए आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए निरंतर कार्यवाही की जा रही है। उसी क्रम में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4 किलो गांजा और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय पेश किया जा रहा है। सचिन राजभट की रिपोर्ट। सर, पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से अवैध रूप से गांजा बरामद किया है, क्या है पूरा मामला? आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि अवैध शराब और गांजे के ऊपर निरंतर कार्रवाई करने के लिए, तो आज इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने बसई तरफ से पास में हमारा बॉर्डर है वहाँ पर हम लोगों ने चेकिंग लगाई थी। वहाँ दो व्यक्तियों के जो मोटरसाइकिल से आ रहे थे उनके कब्जे से हम लोगों ने 4 किलो गांजा जब्त किया है और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा है। लगभग कितनी कीमत? 4 किलो गांजा है, करीब 80,000 रुपये की कीमती का गांजा है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, न्यायालय पेश किया।